back to my channel. So my name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. And if you're watching this face for the first time, I request you subscribe to my channel, hit the bell icon. So whenever I'm going to upload any of the video, you guys will get a notification. और आज का video है H&M haul. सरोजनी हॉल के अलावा भी मैंने सोचा कि कोई हॉल बनाया जाए, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू डू आई शॉप समथिंग फ्रॉम H&M एंड आई शॉप फ्यू थिंग्स, बट मैं उसके लिए हॉल ही बनाती थी. बट अब मैंने सोचा है कि मैं हॉल बनाऊंगी. आई शूट अ हॉल, ओके, फॉर एवरीथिंग. एंड इफ इन केस यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज, गो चेक आउट माय पेज. आई पोस्ट लॉट्स ऑफ फैशन रिलेटेड कंटेंट, सो इफ इन केस यू लाइक इट, यू कैन गिव इट अ फॉलो. एंड if in case you give it a follow, thank you for joining my family. And without any further ado, let's get into the video. Now I'll start from blazers. मैंने दो ब्लेजर H&M से खरीदे थे. Now this, the first one is a grey one, like this grey one. और ये double breast वाला ब्लेजर है. The quality is awesome. और मुझे ऐसा लगता है there are three kind of blazers हर किसी की wardrobe में होने चाहिए. White, black and grey. They are very basic blazers. और आप अगर बहुत ज़्यादा office जाने वाले बंदे हो, you should have these three color in your wardrobe. I think they are very basic. And the best part कि बहुत सारी चीज़ों के साथ जाते हैं. Whether you throw your jeans, you go with whole black look and then throw on blazer on top and your loafers, it looks very sexy, very elegant at the same time. So पहली चीज जो है ये ब्लेजर है. नाउ आई स्पेंड दिस ब्लेजर वॉज फॉर 3000 रुपीज, विच इज लाइक एक्सपेंसिव ऑफकोर्स, बट सेल पे ये 2000 का मिल रहा था एंड आई वॉज लाइक ओके, आई नीड टू गेट माई हैंड्स ऑन इट. दिस इज इन साइज, एक्चुअली दिस इज इन साइज लार्ज, क्योंकि लार्ज साइज में ही अवेलेबल था. बट एक अगर आप बड़ा साइज का ब्लेजर लेते हो तो आप उसको बहुत तरीके से पहन सकते हो. तो दैट्स द रीजन आई बॉट लार्ज साइज. आई रियली लाइक इट एंड मैंने ये सोच के भी लिया कि मे बी मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर ही अच्छा लगेगा. हु डोंट लव शेयरिंग क्लोथ्स लाइक. तो मैंने ये सोच के भी ये ब्लेजर ले लिया कि ही कैन ऑल्सो वेयर इट एंड आई कैन ऑल्सो वेयर इट एंड इट विल लुक वेरी वेरी क्लासी. द कलर इज वेरी नाइस, द क्वालिटी इज A1. लाइक H&M के ब्लेजर्स ज़ारा के कंपेरिजन में ऑफकोर्स क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस होता है, बट इनकी प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल होते हैं एज कम्पेरिजन टू ज़ारा. सो वैन इट कम्स टू ब्लेजर आई ऑलवेज गो फॉर H&M ऑप्शन, बिकॉज ज़ारा इज एक्सपेंसिव. उनके सेल के ब्लेजर मतलब इतने प्राइसेज में होते हैं जितने H&M के एक्चुअल ब्लेजर्स होते हैं. सो या आई वेंट फॉर दिस वन एंड आई थिंक इट्स प्रिटी क्लासी एंड यहाँ पे शोल्डर पैड्स भी हैं, सो इट लुक्स प्रिटी कूल. आई थिंक इट्स वर्थ द मनी और ये काफ़ी टाइम तक चलेगा बिकॉज इट्स अ ग्रे कलर. आई स्पेंड 2000 ऑन दिस. नाउ नेक्स्ट ब्लेजर इज आई गॉट इज दिस ब्राउन वन. नाउ वेन इट कम्स टू दिस ब्राउन आई स्पेंड 1300 रुपीज इस पे और आई थिंक 1300 रुपीज इट्स क्वाइट अ नाइस प्राइस फॉर अ ब्लेजर. 1319 या कुछ ऐसे ही मैंने पे किया था इसका एंड आई लव लव इट. लाइक ये भी बहुत अच्छा है बट इसके और उसके मटेरियल में काफ़ी आसमान मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है. नाउ दैट इज लाइक अ मोर ऑफ अ हैवी मटेरियल बट दिस वन इज इन लिनन एंड ये भी काफ़ी कूल लग रहा था और मेरे को कुछ ब्राउन में चाहिए था बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट सम ब्राउन फैशन स्टाइल्स. सो मैंने इसके लिए ब्लेजर लिया था. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू स्टाइल इट बिकॉज अभी भी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे इस ब्लेजर को किस तरीके से स्टाइल करना है, बट इट लुक्स प्रीटी कूल. ब्राउन कलर है और लिनन का पूरा मटेरियल है. नाउ लिनन इज अ वेरी कंफर्टेबल मटेरियल. राइट नाउ द ट्राउजर आई एम वेयरिंग इज ए लिनन ब्लेंड एंड ये भी कुछ इसी तरीके का मटेरियल है. ऑफकोर्स ब्रांड का है तो इसमें बटन का कोई इशू नहीं है, बटन इन्होंने ब्राउन ही दे रखा है. आई थिंक 1300 में काफ़ी अच्छा परचेज है क्योंकि वेन इट कम्स टू ब्लेजर इट्स वेरी एक्सपेंसिव. नाउ आई बॉट द ग्रे वन फॉर लाइक 2000 रुपीज, बट वेन इट कम्स टू ब्राउन वन इट वॉज ऑलरेडी ऑन सेल एंड देन मुझे कुछ आई थिंक 3000 कुछ करने पे और भी सेल ऑप्शन मिल गया था. लाइक आई गॉट लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट इट फॉर 1500 एंड आई गॉट 200 मोर डिस्काउंट. सो ये मुझे 1300 का पड़ा एंड इट्स इन आई थिंक लेट मी टेल यू द साइज. ये साइज मैंने मीडियम साइज लिया है. इट लुक्स प्रीटी कूल बिकॉज मुझे ब्लेजर ज्यादा ओपन करके पहनना पसंद है. सो या नाउ द नेक्स्ट काम इज अ ट्राउजर. नाउ दिस इज अ ट्राउजर. ये भी थोड़ा सा लिनन ब्लेंड है. नाउ इसी का मेरे पास एक वेरियंट और क्रीमी मैंने वर्जन लिया था एंड दैट इज स्टिल नॉट ऑन सेल गाइज, दैट इज स्टिल नॉट ऑन सेल. सो वो मैंने काफी टाइम पहले लिया था. पैंट सूट आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन दैट. यस, बहुत
पैसा बर्बाद करती हूँ कभी कभी मैं, बट आई रियली वॉन्टेड टू हैव अ फ्लोई ब्लैक ट्राउजर. नाउ द थिंग इज कि जब मैं आई शॉप फ्रॉम सरोजनी एंड यू गाइज नो हाउ आई शॉप फ्रॉम सरोजनी, आई स्क्रीन फॉर मटेरियल. नाउ देर आर फ्यू थिंग्स विच यू डोंट गेट इन सरोजनी एंड दिस इज बिकॉज ऑफ माई हाइट इशू, बिकॉज आई एम क्वाइट टॉल और मुझे जो ट्राउजर्स है वो ऐसे पसंद है जो बिल्कुल नीचे फ्लेयर तक हो, और सरोजनी में मुझे मॉम फिट मिल जाता है, मुझे स्लिम फिट मिल जाता है, बट आई डोंट गेट द प्रॉपर फ्लेयर बिकॉज ऑफ द हाइट इशू. और अगर मिल गया होगा तो कोई बहुत 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 एक ही का पीस मिलता है. सो आई रियली वॉन्टेड टू हैव माई हैंड्स ऑन दिस ब्लैक ट्राउजर. नाउ व्हेन आई ऑर्डर दिस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मटेरियल, लाइक दिस इज अ लिनन मटेरियल बट इट लुक्स प्रीटी कूल, और ये थोड़ा ट्रांजी भी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर वेयरिंग इनसाइड. सो व्हेन यू वेयर समथिंग ब्लैक मेक श्योर यू वेयर समथिंग ब्लैक इन अ लाइक अंदर तुम ब्लैक पहनो बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू वेयर समथिंग व्हाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डोंट गो फॉर व्हाइट, गो फ्रॉम सम न्यूड शेड और योर स्किन टोन शेड, एंड इट डिपेंड्स टू स्किन कलर टू स्किन कलर. लाइक मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है सो आई ट्राई वेयरिंग लाइक टोन विच आर लाइक सिमिलर टू माई स्किन टोन्स. सो या आई बॉट दिस, आई थिंक आई पेड, लेट मी चेक हाउ मच आई पेड फॉर दिस वन, वॉज फॉर 2300 एंड आई पेड लाइक 1800 फॉर दिस वन. आई थिंक नॉट दैट इतना भी डिस्काउंट नहीं मिला, बट ये मटेरियल ठीक है. Like I am not completely happy with this black trouser. I was expecting some other material. जैसे मेरी क्रीम वाले का जो मटेरियल था वो मटेरियल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट इट लुक प्रीटी कूल. मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूंगी मैंने, क्योंकि आगे से ज़्यादा चीज़ें पहन ली हैं. सो आई इंसर्ट पिक्चर ओवर हियर सो यू कैन ऑफ कोर्स चेक इट आउट. सो या दिस वन आई पेड 1800 फॉर दिस वन. एंड आई या इफ यू वॉन्ट नो वॉट साइज आई ऑर्डर 38 साइज, यूरो 38. So yeah, now the next thing which comes is again a black Bermuda shorts. Now मैंने बहुत टाइम से ना मुझे बर्मूडा का बहुत शौक था एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई बर्मूडाज, एंड मैंने ये सोचा था कि मैं कोई ऐसा कलर नहीं लूंगी जो मैं पहन ना पाऊँ, एंड आई सॉ दिस ब्लैक बर्मूडा. और इसका क्वालिटी जब मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी खरीदो प्लीज, वेदर यू बाय फ्रॉम जारा वेदर यू बाय फ्रॉम H&M, प्लीज रीड द मटेरियल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जारा और H&M का भी मटेरियल हमेशा अच्छा नहीं होता है. सो मेक श्योर यू रीड द मटेरियल देन यू बाय द थिंग्स. ऐसा ना हो आप पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दो ना. व्हेन इट कम्स टू ब्लैक ट्राउजर मैंने इसमें लिनन पढ़ा था, बट आई मतलब ये प्रॉपर ही लिनन था, मुझे ये पता नहीं था, ये मैंने ध्यान से मतलब मेरे आई थिंक मैंने थोड़ा मिस आउट कर दिया मटेरियल पे, वरना मैं हमेशा मटेरियल पढ़ती हूँ. एंड दैट्स द रीजन मेरा प्रोडक्ट मतलब जो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं वो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई इन्वेस्ट इन बेसिक्स व्हेन इट कम्स टू सेल. सो या आई बॉट दिस बर्मूडाज ऑन मैन, दिस लुक सो सो शीक सो क्लासी, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग द ट्राउजर इन द सेम मटेरियल बट दैट नेवर माइंड. And I paid 1000 or 1100 for this. Let me check the price. I paid 1300 for this one and it looks pretty cool and very बहुत ही इसका क्लासी मटेरियल है. पीछे इसके ना पॉकेट्स भी है दो यहाँ पे, एंड बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही स्टाइलिश है. आई अगेन ऑर्डर इन यूरो 38 एंड आई थिंक दैट्स माई साइज इन H&M. लुक्स प्रीटी क्लासी एंड बहुत ही प्यारा है, और मुझे ऐसा लगता है स्नीकर्स वगैरह के साथ भी बहुत अच्छा लगता है. आई हैव वोर इट इन माई रील, आई हैव वोर इट माई पिक्चर्स एंड आई वोर इट विद अ क्रॉप शॉर्ट आई हैव इन ब्लू, सो उसके साथ भी बहुत बहुत कूल लगता है. Next, मैंने दो बेसिक टैंक टॉप्स खरीदे थे. नाउ आई बॉट दिस एंड बॉट दिस. नाउ दिस वन इज इन बेज कलर एंड ये उनके 399 वाले सेक्शन से था. सो मुझे दोनों के मटेरियल्स एक बार चेकआउट करने थे. ये वाला मैंने अभी तक पहना नहीं है, बट दिस वन आई वोर इट एंड दिस हाउ इट लुक. यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर लूंगी ब्लू वाला कैसा लग रहा है. अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो मोनोक्रोमैटिक लुक में भी ये पहना था. एंड या सो आई वोर ये वाला जो है इट्स फॉर 399 एंड इन दोनों के मटेरियल में बहुत डिफरेंस है. मुझे पहले लगा था कि ये वाला 399 का क्यों है और ये वाला 799 का क्यों है, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. दोनों का रिब मटेरियल बहुत ही अलग है. ये काफ़ी थिक रिब मटेरियल है और व्हेन कम टू दिस ये काफ़ी पतला रिब मटेरियल है. नाउ इस पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला बिकॉज इट वॉज फॉर 399 और ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया था, आई डिडंट बॉट इट ऑनलाइन. सो या ऑफकोर्स इट्स फॉर 399 और ये एक्स्ट्रा स्मॉल है. मैंने इसलिए एक्स्ट्रा स्मॉल लिया क्योंकि इनके ना स्लीव्स बहुत बड़े होते हैं, तो कई बार क्या होता है अगर आप ब्रा या कुछ ऐसा ऑफकोर्स ब्रा पहन रहे हो तो वो यहाँ से बाहर पॉप आउट हो जाएगा और वो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल ना हो, तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया था. एंड ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी लिया था ताकि वो भी पहन सके. कितना क्यूट है, उसमें स्ट्रेच कितना है,
क्यूट स्टिच एंड बेस्ट पार्ट ये बेज कलर है सो आई कैन वेयर इट द ब्लैक ट्राउजर लिनन ट्राउजर एंड थ्रो ऑन सम शूज एंड इट लुक प्रीटी कूल एंड थ्रो ऑन सम लाइक अ स्टेटमेंट बैग और आई कैन गो फॉर सम टाइप ऑफ बैग उसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा कूल लगेगा इफ इन केस यू थिंकिंग कि मैं मुझे देख के लग रहा है क्या कि बहुत गर्मी हो रही है बिकॉज मैं ऑडियो क्लियर आने के लिए ना विदाउट फैन बैठती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अभी गर्मियों में काफ़ी दिक्कत होती है शूट करने में बट योर गर्ल इज गोइंग टू रॉक इट सो ये मैंने लिया था ये भी इनका H&M का 799 इसका प्राइस है और इसमें इनके काफ़ी सारे कलर्स हैं और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है लाइक ज़ारा के कंपैरिजन में ज़ारा वाला जो स्ट्रेच टॉप है वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मटेरियल होता है उसका मटेरियल बहुत अच्छा होता है बट ये वाला थोड़ा सा रिब मटेरियल है एंड आई एम थिंकिंग टू बाय मोर कलर इनटू इट इसका मेरे पास एक ब्लू टैंक टॉप भी था थोड़ा बड़ी में जो मैंने आई थिंक सेल में 299 रुपीज का लिया था ऑफलाइन एंड ये वाला मैंने ऑनलाइन ही लिया था तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश पीसेज हैं उन पे भी 15-10% सेल चल रहा था आई थिंक अगर आप 3000 का खरीदते हो तो 10% और अगर आप ज़्यादा का खरीदते हो लाइक मोर देन 3000 सो इट वॉज लाइक 399 अगर आप खरीदते हो तो इट वॉज लाइक 15% तो ये मैंने उस पर लिया था एंड आई गॉट दिस फॉर लाइक इट वॉज फॉर 799 और ये मुझे पड़ा है 569 रुपीज का आई थिंक इट्स अ प्रीटी कूल प्राइस 569 इज अ वर्थ ऑफ दिस वन आई लाइक द टॉप एंड इट्स इन स्काई ब्लू कलर आई डोंट नो कैमरे पे व्हाइट ना लग रहा हो बट इट्स इन स्काई और बहुत लाइट पाउडर ब्लू सा कलर है इसका एंड इस तरीके के जो बेसिक टॉप्स है ना सब कपड़े साइड में रख रही हूँ मैं इस तरीके के जो बेसिक टॉप्स हैं आप सबके वार्डरोब में होने चाहिए गाइस आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टेल यू दिस बट डोंट इन्वेस्ट मोर इन स्टेटमेंट पीसेस ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन बेसिक पीसेस क्योंकि आपको हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होंगे स्टेटमेंट पीसेस में ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही इन्वेस्ट मत करो बाय 2-3 थिंग्स व्हाटएवर यू लाइक बट when it comes to where you have to spend more I would always suggest you to spend more in good statement pieces oh sorry not the statement basic pieces because wo aapko hamesha life long kaam aayenge when it comes to black white and neutral especially neutral color jo hote hain they are never out of trend and hamesha neutrals aise चीज़ है जो हमेशा स्टाइल में रहने वाले हैं कभी भी आउट बाकी ट्रेंड आएंगे जाएंगे देर आर फ्यू थिंग्स इन फुटवेयर्स एंड देर आर फ्यू थिंग्स इन फ्यू न्यूट्रल फ्यू कलर्स विच आर स्पेशली न्यूट्रल कलर्स वो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाएंगे सो यू शुड ऑलवेज 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 इन्वेस्ट इन दीज कलर्स नाउ नेक्स्ट ये मैंने अगेन दोबारा फ्रेश पीस में से लिया था आई बॉट दीज टू आइटम्स एंड आई लव्ड इट मतलब मुझे चाहिए था जैसे मैंने देखा ना मेरे को बताया यार मेरे को ये खरीदना है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस वन लाइक आई ये भी मुझे वैसे तो 15% डिस्काउंट पे मिल गया था सो आई टेल यू द एक्चुअल प्राइस ऑफ इट आई पेड 1700 फॉर दिस वन I paid 1700 for this one and where it is for 2000 rupees almost 199 ka hai it's a crop trouser kafi pyara color hai like greenish or like a neutral greenish color hai kuch iska and isko maine pink color ke sath pehna tha oh my god it looks so cool I can wear it in so many ways like I am just waiting to wear it with so many things and yeah iske piche bhi pockets hai like it has a pocket wo fake wala pocket jo hota hai na mujhe nahi pata wo kyu banate hai fake wala pocket but side pockets asli hai तो यार मैंने इसमें 1700 का इसको खरीदा बट इसका मटेरियल इज लाइक A1 इतना प्यारा मटेरियल है इतना सूदिंग मटेरियल लाइक आई फील लाइक टचिंग इट इट्स अ वेरी नाइस मटेरियल और मैंने अभी इसको आयरन किया था और मैंने वो चीज़ खराब कर दी सर इन सर अ पिक्चर मैंने इसको एक इसका जो क्रॉप ब्लेजर है इसी कलर में क्रॉप ब्लेजर था तो आई बॉट दिस ऑल्सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव अ क्रॉप ब्लेजर नाउ मैं ज्यादातर क्या करती हूँ वेन एवर आई वॉन्ट वेयर अ क्रॉप ब्लेजर मेरे पास ऑलरेडी एक है जो मैं फुल ब्लेजर लेकर आई थी सरोजनी सर मैंने इसको काट दिया ताकि वो क्रॉप का लुक दे एंड इट लुक्स स्टनिंग बाय द वे बट मुझे हमेशा शोल्डर पैड्स वाला चाहिए था एंड आई रियली वॉन्टेड टू लुक हाउ डज इट लुक सो इसको मैंने सेपरेटली भी स्टाइल किया विद लिनन ब्लैक ट्राउजर इट लुक प्रीटी कूल एंड हाउ मच spend on this one let me tell you okay same it's a 1700 dono hi 2000 pieces hai. I spent 1700 on this I think iska stitching wagera sab kuch hi bahut pyara hai like kai baar kya hota hai matlab I'm happy with all my purchases like look at this it looks pretty cool aur ye aisa color hai ki main isko pata nahi kitni baar aur kitne time tak pehen sakti hu and ye crop hai to isko main denim wagera ke sath bhi bahut acche se style up kar sakti hu with some boots and all that will also look cool with white leg jeans and boots and then cover up high neck black high neck are you guys able to imagine तो समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ
मतलब मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग ऐसे हैं, बट आई मतलब मैं जब कुछ खरीदती हूँ ना, मेरा हमेशा से ऐसा होता है लाइक हाउ आई वेयर देम और इसको मैं कैसे कैसे स्टाइल कर सकती हूँ. सो मैं जब कपड़ा कोई भी खरीदती देखती ओके इसको मैं ऐसे पहनूंगी, इसको मैं ऐसे पहनूंगी, इसको मैं ऐसे पहनूंगी. सो दैट इज वॉट आई रियली वॉन्टेड टू बाय. सो या दिस वॉज द वन. पूरे हॉल में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है बिकॉज दिस इज फ्रॉम फ्रेश आइटम. तो इसका मैं लिंक आप लोगों को दे सकती हूँ. जिस भी चीज का लिंक अवेलेबल होगा मैं वैसे लिंक हर चीज का देने का ट्राई करूंगी, बट जो आउट ऑफ स्टॉक होगा शायद उसका लिंक नहीं हो पाएगा. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. बट या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शूज. सो पहले मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाली हूँ, आर माई लोफर्स. सो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे पास करती रहेगी क्योंकि ऑफकोर्स हम बैग पे बैठे हैं तो हम बैग पे जूते चप्पल नहीं रख सकते हैं, वरना मम्मी की उड़ती हुई चप्पलें आएंगी. सो ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे. आई रियली वॉन्टेड दिस चंकी ब्लैक लोफर्स विद सो मच ऑफ वेज. लुक एट इट गाइज. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक इट बिकॉज आई नो बहुत लोगों की पसंद नहीं आएगा, बट this is trust me this is a very very classic piece. I have seen Prada making the same kind of shoes but unka logo hota hai of course, and I really wanted to have these and they look so gorgeous man, so gorgeous. I wore it with this and it looks stunning, it looks stunning. I don't have words for it. And ye almost let me see, it was for 2300 and I got it on discount for 1500 rupees, I think, which is very good because iska quality bahut acha hai. I love the quality screams. लाइक अभी जैसे जैसे आई एम ग्रोइंग अप मैंने इतने टाइम में यही चीज़ सीखी है. अ फुटवेयर मीन्स अ लॉट फॉर यू, अ फुटवेयर स्पीक्स अ लॉट फॉर यू. एंड एक तो मेरा पैर इतना बड़ा है ना, मैं ज़्यादा कोई चप्पल पहन नहीं सकती, मेरा पैर कटने लग जाता है. सो हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड फुटवेयर एंड द वर्स्ट पार्ट दैट आई हैव अ बिगर साइज. तो जल्दी तो कुछ मिलता नहीं है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ ये है मेरे पैरों के साथ. एंड आई एम इन लव विद दिस. मतलब मैं कितनी बार बोलूँ पर मुझे बहुत बहुत पसंद है और इसको खरीद के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करके तो और भी ज्यादा खुश हूँ. नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई गॉट. नेक्स्ट फुटवेयर. सो मैंने मुझे पास कर दिया है. इट्स आर दीज ब्यूटिफुल चंकी व्हाइट शूज. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा वेज हो शूज में, एंड दे आर प्लेन व्हाइट. जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा था बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग लाइक जैसे नाइकी के थोड़े से व्हाइट शूज है उस टाइप से मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी, बट आई वॉज इन एबल टू फाइंड. बट वेन आई सॉ दिस आई थिंक दिस नीड्स टू बी इन माई क्लोजेट. आई थिंक दे लुक वेरी वेरी क्लासी और इनको मैंने इस वाले आउटफिट के साथ पहना था एंड इट लुक प्रिटी गुड, प्रिटी ऑसम एंड आई लव्ड इट द आउटकम. अभी यहाँ से थोड़े गंदे हो गए, सो आई हैव टू क्लीन इट. आई हैव टू क्लीन इट विद द व्हाइट क्लोथ. आई एम नॉट गोइंग टू वॉश इट बिकॉज ये शूज वॉशेबल वॉश नहीं करने चाहिए, ऐसा मुझे शॉपकीपर ने बोला था एक बार. एंड ये तो मैंने H&M से लिए हैं और ये थोड़े गंदे भी हो गए क्योंकि मैं इनको काफी बार पहन चुकी हूँ, बट लुक प्रिटी क्लासी है. इनको मैं पूरा प्रॉपर H&M डब्बों में ना स्टोर करके रखती हूँ. सो या दिस वन आई पेड 1200 फॉर दिस. एज पर द क्वालिटी इट्स वेरी नाइस. अंदर भी पूरा फोम है तो अंदर से भी पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. काफी देर तक पहना था. यूजुअली जो नए शूज होते हैं, ओ माय गॉड अब शोर बंद हो गया. सो यूजुअली जो ऐसे शूज होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हम क्वालिटी इशू होता है या फिर नए शूज में पैर कटता है, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें. एंड या दैट्स फॉर आई बिलीव. इसके बाद जो नेक्स्ट है आर दीज ब्यूटिफुल ब्लैक हील्स. मैंने पीछे का पास दिखा दिया इसका. सो दीज ब्यूटिफुल ब्लैक हील्स विच आई गॉट लाइक दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. आई हैव समथिंग इन वाइट सिमिलर जो मैंने टफल कलेक्शन से लिया था फ्रॉम अजियो आई गेस. अजियो और क्यूब से लिया था, मुझे याद नहीं है इतना एग्जैक्ट मैंने वो कहाँ से लिया था, बट इट्स बीन वन ईयर और बहुत अच्छे से चल रहे हैं. और ये जो है ये बहुत ही ज्यादा क्लासिक है और इस टाइप की हील्स थोड़े ट्रेंड में भी है. एंड द बेस्ट पार्ट, ये मैं भी पहन सकती हूँ, मम्मा भी पहन सकती हैं एंड ये बहुत कंफर्टेबल भी है. तो हील है इसमें बहुत ज्यादा हील भी नहीं है, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत स्टेबल हील है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हील खरीदने में. आई पेड 1200 फॉर दिस एंड इट वॉज फॉर 3000. लेट मी टेल यू फॉर द शूज ऑल्सो. जो शूज थे वो भी अप्रॉक्स आई गेस इट वॉज फॉर लाइक 2200 समथिंग या 2000 ऐसी कुछ के थे वो. एंड वो मुझे सेल पे 1200 के मिले. एंड दिस वन इज ऑल्सो आई गॉट फॉर 1200 एंड दिस वॉज फॉर प्राइस. लेट मी चेक एग्जैक्ट प्राइस कितना था इसका. Let me just open.
सो या एज आई सेड इट वाज फॉर 2300, तो आई थिंक 1200 में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल गया है. एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें यहाँ पे कुशन है, सो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. एंड आई हैव वोर देम काफी टाइम पहन लिया मैंने, सो मतलब H&M के शूज जो फुटवेयर है ना, सो आई होल्ड इट. Yeah, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you next time with another video. Let me know what styling video you want. Till then, sit back, relax, enjoy and keep smiling, guys. I love you. Bye.